जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर इस संध्याकालीन की प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको पूरे दिन भर संभाला, रक्षा किया, जीवित और स्वस्थ और भला चंगा रखा, हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से बचाया, हर खतरों और हर मुसीबतों से बचाया। ऐसे परमेश्वर पिता का आदर करें। हम सब मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं क्योंकि वो उसके योग्य है। परमेश्वर आदर के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, स्तुति और महिमा के योग्य है। इसलिए परमेश्वर पिता का आदर करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें जिसने मुझे और आपको संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमसे प्रेम करता है, वो जा सारे जगत से प्रेम करता है, वो सारी सृष्टि से प्रेम करता है मेरे प्रियो, और हर एक जन को बचाता है जो उसका भय मानता हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है उसे परमेश्वर सब प्रकार के खतरों से बचाता है। जो परमेश्वर पिता के चरणों में जाता है उसे परमेश्वर पिता सब प्रकार की बीमारियों से और सब प्रकार की तकलीफों से बचाता है। मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन में हम सब मिलकर ऊंचे स्वर से मुंह खोलकर धन्यवाद करें, धन्यवाद का कटोरा लेकर प्रभु के कदमों में आ जाएं मेरे प्रियो, धन्यवाद का कटोरा लेकर खुदा के पास आ जाएं मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो जीवित पिता है, वो सामर्थ्य और भय योग्य पिता है। उसका आदर करें, उसकी महिमा करें, जयजयकार करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। अपने बिस्तर में जाने से पहले खुदा का आदर करें मेरे प्रियो, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम सोचते हैं कि हमें बचाने वाला कौन है, क्योंकि मैं अकेली हूं, अकेला हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है, जो यहोवा के चरणों में रहता है, जो यहोवा से प्रेम करता है। परमेश्वर पिता उससे सारी बीमारी, गरीबी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाओं और सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में सांप लिखा है, भजन संहिता 91 में, जो प्राण प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उछाड़ता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सब प्रकार के खतरों से बचाता है, मरी से बचाता है, महामारी से बचाता है, बहेलियों के जाल से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन से वो डर को खत्म करता है, हमारे जीवन से सब प्रकार के अंधेरों को खत्म करता है, मेरे और आपके जीवन से सब प्रकार के रोगों को खत्म करता है मेरे प्रियो। इसलिए उसका डर और भय अपने जीवन में माने मेरे प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम बनाए रखें। और जब हम उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता कहता मैं उसे छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में मेरे प्रियो, सारे खतरों से बचाने वाला एकमात्र परमेश्वर है, सारे अंधकार की शक्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है, वो सब प्रकार की मुसीबतों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है वो। उस परमेश्वर पिता का आदर करें, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर पिता की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड।
इस संध्याकालीन में हम सब मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके चरणों में आकर उससे प्रार्थना करें। और जब उसके चरणों में आकर कोई प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसे सारे खतरों से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, तकलीफों से बचाता है, महामारी और महारोग से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, मेरे राजा, जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे प्रभु, हर एक जनों को मैं तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए, अभिषेक से भर जाए, तेरी सामर्थ से भर जाए। प्रेज द लॉर्ड, आपकी महिमा के बादल से पिता परमेश्वर उन्हें घेर ले और पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। पिता परमेश्वर, आज जितने भी तकलीफ में, मुसीबत में हैं, उन सारे मुसीबतों से उन्हें छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जादू टोने, भूत प्रेत की शक्तियां खत्म हो जाए, शैतान की सारी चाल खत्म हो जाए, गरीबी में ले जाने वाली शैतान की योजनाएं खत्म हो जाए, बीमारी में ले जाने वाली शैतान की योजनाएं खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से गरीबी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं खत्म हो जाए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। जितने भी आज गरीब हैं प्रभु, उनको तो उठाइए, उठाइए, उठाइए। और परमेश्वर पिता, उनकी गरीबी को खत्म कीजिए। उनके लिए जो बिजनेस और सब प्रकार के आशीषों को तूने दीजिए प्रभु, जॉब और बिजनेस दे, खेती बाड़ी में उन्हें आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। जितने भी जवान हैं, जितने भी लोग हैं, आज कोई भी बेरोजगार ना रहे प्रभु। वो पिता परमेश्वर जॉब और बिजनेस और सब प्रकार की आशीष तुझसे प्राप्त करने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करते जो हमारे किसान भाई बहन है, स्टूडेंट्स है, जॉब और बिजनेस करने वाले सभी प्रियों को आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम से। और विशेष करके निसंतान है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको संतान दे प्रभु। किसी भी हालत में उन्हें संतान दे, आशीषित कर परमेश्वर। उनके जीवन से सब प्रकार की समस्याएं, उनके जीवन में से सब प्रकार की तकलीफें, उनके जीवन में से सब प्रकार की टेंशन खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आशीषित कर प्रभु, आशीषित कर। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, हाँ राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। धन्यवाद, पूरा आदर सम्मान करो आपको देते मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी। उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज आईसीयू में है, कोमा में है, बेड पर है, जो उठ नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, यीशु मसीह के नाम से आज चलने लगे, दौड़ने लगे, घूमने लगे पिता परमेश्वर, देखने लगे, सुनने लगे परमेश्वर पिता। उन्हें आशीषित कर प्रभु, उनके जीवन से सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं खत्म हो जाए, सब प्रकार की लाचारी, गरीबी खत्म हो जाए, सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए, हड्डी हड्डी और नस नस को छू लीजिए, सब प्रकार की बीमारी उनके जीवन से चली जाए, मलेरिया की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, कैंसर और शुगर की बीमारी, टीबी और सब प्रकार की बीमारी जो उनके अंदर है प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। थायराइड की बीमारी खत्म हो जाए, बवासीर की बीमारी खत्म हो जाए, यीशु आप चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। इस रात्रि में जितने भी पिता बीमारी के हालत में है, आज जितने भी तकलीफ में है, आज जितने भी टेंशन में, उनकी सारी टेंशन खत्म हो जाए। जितने भी आज पिता परमेश्वर जेल के अंदर है, कोर्ट केस में फंसे, प्रभु यीशु उन्हें छुड़ा ले, बचा ले, और परमेश्वर पिता उन्हें सब प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से छुड़ा ले। पिता परमेश्वर, उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े, परिवार में फूट, जिसमें पिता परमेश्वर नशा है, प्रभु यीशु के नाम से उन परिवारों के जीवन को बदल दे, परिवर्तन हो जाए,
परिवर्तन हो जाए, अपने आप को चेंज करने वाले बन जाए, सब प्रकार का नशा छोड़ने वाले बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से परिवार में शांति और तसल्ली दे प्रभु। जितने भी जवान शादी लायक हो गए प्रभु, उनका सही समय पर विवाह होने के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद राज, तूने प्रार्थनाओं को सुना। आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते। तूने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, इस बात के लिए पूरा पूरा आदर सम्मान गौरव हम आप ही को देते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इस बात के लिए पूरा पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मित्सन ने बोला आमीन। जो प्रभु के कदमों में रहता है और परमेश्वर से प्रेम करता है, उसे परमेश्वर सब प्रकार के खतरों से बचाता है। इसलिए प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।